नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। जम्मू कश्मीर को लेकर बौखलाया पाक अब लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसका भारतीय सेना ने ऐसा करारा जवाब दिया कि वो घुटनों के बल आ गया और शांति शांति चिल्लाने लगा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों के बल बैठने को मजबूर कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिक ने सफेद झंडा दिखाकर गोलीबारी बंद करने की अपील की। न्यूज एजेंसी एनआई ने इसका एक्सक्लूसिव वीडियो जारी किया है, जिसमें पाक सैनिक सफेद झंडा लेकर शांति की अपील करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ये वीडियो 10 से 11 सितंबर के बीच की बताई जा रही है, जब भारत ने पाक गोलीबारी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाक के दो सैनिकों को ढेर कर दिया था। लेकिन पहले तो पाक ये मानने से इनकार करता रहा कि उसके कोई सैनिक मारे गए हैं। दरअसल पाक को लगता था कि वो भारतीय सैनिकों को सीज फायर उल्लंघन में बिजी कर अपने सैनिकों के शव को चुपचाप उठा कर ले जाएंगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने पाक को ऐसा कोई मौका नहीं दिया, जिसके बाद मजबूरन पाक को शांति का सफेद झंडा लेकर भागना पड़ा। इसके बाद ही वो अपने सैनिकों के शव को ले जा पाया। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पाक सैनिक हाथ में सफेद झंडा लिए पहाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, और फिर दो सैनिक झाड़ी के पीछे पड़े शव को उठाकर ले जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों अपने साथ जवान का शव खींचकर ऊपर की ओर ले जाते हैं। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि भारतीय सेना ने पाक सैनिकों को ढेर किया है। अब पाक इस बात से मुकर नहीं सकता। दरअसल सेना की भाषा में सफेद झंडा शांति का प्रतीक होता है, इसका मतलब आत्मसमर्पण या युद्ध विराम की अपील करना होता है। सूत्रों के मुताबिक पाक के मारे गए जवानों में एक सिपाही का नाम गुलाम रसूल है, जो पाक के पंजाब प्रांत के बहावल नगर इलाके का रहने वाला था। पाकिस्तान ने उसका शव ले जाने के लिए भारत की ओर फायरिंग और तेज कर दी थी, जिसके जवाब में भारत ने भी तेज गोलीबारी की। इसमें पाक का एक जवान और ढेर हो गया, लेकिन पाक उनके शवों को ले जा नहीं सका। दो दिन बाद पाकिस्तान को भारत के आगे झुकना पड़ा और उसने सफेद झंडा दिखाकर अपनी हार को माना। भारतीय सेना ने भी युद्ध के नियमों का सम्मान करते हुए उनकी अपील को स्वीकार कर लिया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के मुद्दे पर दुनिया भर में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पिछले एक महीने से वो लगातार बौखलाया घूम रहा है। पूरी दुनिया में उसके साथ खड़े होने को कोई तैयार नहीं, और पाक जानता है कि वो अकेले भारत से टक्कर नहीं ले सकता, इसीलिए वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर गोलीबारी कर रहा है।